भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली एनएसए स्तर की वार्ता से पहले पाक के पैतरे और चालबाजी को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। भारत सरकार ने इस पर पलटवार करते हुए कश्मीर के सभी हुर्रियत नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया है। साथ ही भारत की ओर से साफ किया गया है कि वार्ता तय समय के अनुसार होगी। जिन हुर्रियत नेताओं को नजरबंद किया गया है उसमें हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, अब्बास अंसारी और जेएनके लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक शामिल हैं। पाकिस्तानी उच्चायोग ने 23 अगस्त को कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से बातचीत के लिए दिल्ली आने का निमंत्रण दिया है। इस बीच श्रीनगर में यासीन मलिक समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर हुर्रियत नेताओं को नजरबंद करने को गलत बताया है। श्रीनगर की हालात पर गृह मंत्री की पूरी नजर है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।